आज साथ में मिलके ये इजी फेस्टिव मेकअप लुक क्रिएट करते हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ फाउंडेशन से। हाँ, इस लुक में मैंने कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं किया है, बहुत इजी आई मेकअप भी बताया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्किन केयर से। स्किन केयर मैंने कंप्लीट कर लिया था, जो कि मैं एज़ यूजुअल रिकॉर्ड करना भूल गई थी। एंड उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ वन ऑफ माई फेवरेट मास्क का फाउंडेशन, मेरा करंट फेवरेट है। मेरा इसके साथ में पहला ही एक्सपीरियंस रहा है, ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया इस वीडियो में। इसमें मैंने शेड दिया था 04, थोड़ा सा मेरे शेड से थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा लाइट है, बट बहुत फुल कवरेज है। ये इतना फुल कवरेज था कि इसने मेरे डार्क सर्कल्स को भी ऑलमोस्ट हाइड कर दिया था, इसलिए मैंने कोई कंसीलर यूज़ नहीं किया। मुझे इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी लगी, बिकॉज इसमें ये पंप वाली पैकिंग है, जिससे प्रोडक्ट को लेना बहुत ईजी था। और मैंने सिर्फ एक पंप ही लिया और डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई किया, एंड पूरा फेस कवर हो गया सिर्फ एक पंप से। एंड इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस थी ना, वो मुझे सच में बहुत। तो रिसेंटली मैंने मास्क के कुछ एक प्रोडक्ट्स रिसीव किए थे, एंड पहले ही बता दूँ ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो मार्स कॉस्मेटिक, मैं अपना खुद का पर्सनल रिव्यू दे रही हूँ आप लोगों को। सो डॉट डॉट फॉर्म में अप्लाई किया, एंड इसको ब्लेंड करने के लिए मेरे पास ये ब्यूटी ब्लेंडर है, मार्स का ही ब्यूटी ब्लेंडर है, बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है यार। मतलब बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर दिया, एंड सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि इसने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब भी नहीं किया। कुछ एक ब्यूटी ब्लेंडर होता है जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है ना, तो ये भी नहीं था कि लाइक पूरा, कभी कभी होता है ना कि कभी प्रोडक्ट हम ब्लेंड करते ब्यूटी ब्लेंडर से तो वो सारा सारा सोख लेता है और उसका कवरेज को पता नहीं चलता। मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया, तभी इसने मेरा मतलब पूरा फेस कितना अच्छे से कवर कर लिया। तो अगर मैं इसे ब्रश से अप्लाई करूँगी तो ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है बाय द वे, एंड एज यू कैन सी दैट मेरा फेस कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। ये थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि कूल टोन की साइड में शेड चला गया मेरा, मैं वार्म अंडर टोन की हूँ तो थोड़ा सा शेड का इशू है, थोड़ा बहुत ही है, इतना नहीं है, बट फाउंडेशन बहुत अच्छा है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, न्यू इन्फ्लुएंसर इन अ मेकअप आर्ट एज अ मेकअप आर्टिस्ट, या फिर आप अपना अलग से कोई यू नो मेकअप आर्टिस्ट को लेके कोई करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको ना सच में रिकमेंड कर रही हूँ मास के प्रोडक्ट परचेज करो। एक तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और दूसरा अफोर्डेबल हैं, एंड आपके लिए बेस्ट है अगर आप स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट टाइम मेकअप स्टार्ट कर रहे हो तो। मेरे पूरे के पूरे डार्क सर्कल्स इसमें कवर कर लिए बहुत अच्छे से। उसके बाद में मैं बेस को सेट कर रही हूँ मास्क के सेटिंग लूज पाउडर से इन द शेड इज सॉफ्ट लाइट। ओ एम जी, ये प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छा है। मैं इसका एप्लीकेशन वाला क्लिप लेना भूल गई थी, तो मैं इसका डस्ट ऑफ वर्क आपको दिखा रही हूँ। ये ना कवरेज नहीं देता है, कुछ एक होते हैं ना लूज पाउडर्स जो कवरेज दे देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं फेस को, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, एंड ब्राइडल के लिए मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है। उसके बाद में मेरे पास है ये मास्क की पैलेट, फेस पैलेट बोलूँ क्या बोलूँ मुझे नहीं पता, इसका नाम है दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। एंड इसके अंदर 9 शेड्स थे अलग अलग, जिसमें से आपको 3 शिमर शेड मिलेंगे, एंड जो 6 शेड हैं वो आपके मैट शेड रह जाएंगे। और इसके अंदर 4 अलग शेड्स अलग से दिए हुए हैं जो फेस मेकअप कर सकते हो, लाइक कॉन्टोर, ब्लश एंड हाईलाइटर, एंड साथ में इसके कॉम्पैक्ट पाउडर भी था। एंड सच बताऊँ, इनमें जितने भी शेड्स थे ना, सबके नाम दिए हुए हैं, लाइक कुल्फी, फालूदा, सीपी, डोलमा आंटी के मोमोज, लाइक जो भी दिल्ली में फेमस है ना, उसके अकॉर्डिंग इन सबके नाम दिए हुए हैं। कैन यू इमेजिन, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा है यार, और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी। एंड बात करूँ अगर प्रोडक्ट की कि ये प्रोडक्ट कैसे हैं, तो बहुत पिगमेंटेड है, एज यू कैन सी दैट। मैंने कॉन्टोर यूज़ किया है, नहीं सच में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड, बेस्ट है मेरी। उसके बाद में मैंने ब्लश यूज़ किया था, ब्लश में थोड़ा सा मुझे ऐसे डाउट था कि यार ये तो बहुत ज़्यादा लाइट है, पता नहीं मेरे फेस पे जाएगा या नहीं। आई मीन इसको अप्लाई करने के बाद में इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा था फेस। एंड अगर आपको कोई नेचुरल मेकअप चाहिए ना, तो आप ये पीच शेड का ब्लश मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, लेकिन बहुत अच्छा जा रहा था मेरे फेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद में जितना भी एक्सेस मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा पाउडरी पाउडरी ना लगे फेस, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड किया, और जो भी एक्स्ट्रा था ना वो सारा का सारा अब्सॉर्ब हो गया था, एंड बेस बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड जो हाईलाइटर था ना, वो थोड़ा सा रोज़ गोल्ड में था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरे फेस पे जाएगा या नहीं जाएगा। जब मैंने इसे अप्लाई किया ना, लुक एट द शाइन, आई मीन ये इतना ज़्यादा चंकी भी नहीं था, लाइक कुछ एक होते हैं चंकी पार्टिकल्स, एक जगह जहाँ अप्लाई करो वो पूरा का पूरा फैल जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आई लव दिस पैलेट यार, इसके अंदर ना अलग अलग है, लाइक चंडीगढ़ को लेके, दिल्ली को लेके, एंड आई थिंक एक और पैलेट है, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन ऐसे ऐसे नाम दिए हुए हैं सिटी के अकॉर्डिंग। पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा था,
एंड आई एम लविंग विद इट। एंड उसके बाद में मेरे पास है मास्क का 2-in-1 प्रोडक्ट, जिसके अंदर आपको एक आईब्रो के लिए प्रोडक्ट मिलेगा एंड दूसरा आपको एक जेल लाइनर मिलता है। मैंने अब तक जितने भी जेल लाइनर यूज़ किए हैं उसमें से मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, बिकॉज एक तो आई थिंक मे बी शायद ये नया नया है इसलिए इतना सूखा हुआ नहीं था, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ग्लाइड हो रहा था मेरी आईज़ पे। इसके साथ में एक छोटा सा मिरर भी आता है, ऐसे रोटेट करके ओपन करोगे ना तो नीचे की साइड में जेल लाइनर होता है एंड काफ़ी अच्छी क्वांटिटी थी बाय द वे। एंड इसके साथ में एक ब्रश भी आता है छुटकू सा, जिसके एक साइड में आपको एंग्लो ब्रश मिलेगा एंड दूसरी साइड में स्पूली मिलेगी एंड इसके हेल्प से आप लाइनर और आईब्रो दोनों को शेप दे सकते हो। स्पूली से आईब्रो को फॉर्म करना है एंड जो एंग्लो ब्रशेस की हेल्प से आप आईब्रो को शेप दे दो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये एक पाउडर प्रोडक्ट था जो आईब्रो का जो सेट करने का प्रोडक्ट है ना, वो एक पाउडर प्रोडक्ट था एंड इसको अप्लाई करने के बाद में लग ही नहीं रहा था कि पाउडर है। कुछ एक प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आईब्रोज पे ना अलग से दिखते हैं कि हाँ इसने कुछ ना कुछ अप्लाई किया हुआ है, बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है, बट इसको अप्लाई करने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा पाउडरी भी नहीं लग रहा था। इसमें आपको 3 शेड्स दिख रहे होंगे लाइक लाइन वाइज लाइन, वैसे तो 9 शेड्स हैं, 3 इसमें शिमर शेड्स हैं। सबसे पहले ये वाला शेड यूज़ किया मैंने एंड इसका नाम, मतलब हर एक शेड का अलग अलग नाम दिया हुआ है। कैन यू इमेजिन लाइक सीपी, कुल्फी फालूदा एंड जितना जो कुछ भी दिल्ली में फेमस है ना, सबका ऐसे नाम दिया हुआ है। तो मैंने सबसे पहले ये वाला शेड लिया है, अब ब्लूइश काइंड ऑफ, इसको एज अ ट्रांजिशन शेड मैंने अप्लाई किया। मैंने एक डार्क शेड लिया जिसको इनर और आउटर कॉर्नर पे जस्ट मैंने प्लेस करके और अच्छे से उसको ब्लेंड किया है। बेसिकली मैं एक हेलो आई मेकअप करती हूँ जो कि बहुत ईजी है, बहुत जल्दी भी हो जाती है। उसके बाद मैं शिमर शेड लिया है एंड शिमर शेड मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा पिगमेंटेड होने वाला है, एज यू कैन सी दैट। जस्ट मैंने एक बार ही स्वाइप किया था ब्रश को एंड लुक एट दिस। एंड जितने भी ब्रशेस मैंने यूज़ किए हैं ना, इसके ही लिए हैं। इसके अंदर आपको 3 ब्रश तो फेस के लिए मिलेंगे और 5 ब्रश आपको आई मेकअप के लिए मिलते हैं, जिसमें से एक फाउंडेशन ब्रश है, एक आपका पाउडर ब्रश होता है जिसको मैं 2-in-1 एज अ 2-in-1 यूज़ कर लेती हूँ। लाइक मैं ब्लश भी अप्लाई कर लेती हूँ और कभी कभी पाउडर भी अप्लाई कर लेती हूँ। नेक्स्ट है ये ब्रश जो कि एक कंसीलर और हाइलाइटर दोनों ब्रश हैं। उसके बाद में आपको एक ब्लेंडिंग ब्रश मिलता है एंड बहुत अच्छे से, बहुत ब्रिशल्स बहुत सॉफ्ट हैं इनके बाय द वे, ऐसे टच करने से पता नहीं चलता है कि कुछ अप्लाई करो, क्योंकि कुछ एक ब्रश होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। उसके बाद में आईशैडो पैकिंग ब्रश है, एक छोटा सा पेंसिल ब्रश है जिसकी हेल्प से बहुत ही ईजी तरीके से, मेरी छोटी आई है ना तो लोअर लिड पर ना बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है आईशैडो। एंड उसके बाद में एक एंगुलर ब्रश एंड एक क्रीम ब्रश मैं बोलूँगी, इससे आप कोई भी क्रीम प्रोडक्ट लगा सकते हो, लाइक आपकी क्रीम, फेस क्रीम या फिर कंसीलर या फिर फाउंडेशन आप अप्लाई करें। नेक्स्ट मैंने जेल लाइनर लिया है एंड ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लाइड हो रहा था। मैं एक, मेरे पास एक जेल लाइनर है, पहले मैं उसका नाम ले लूँगी इस ब्रांड का, बट वो थोड़ा सा हार्ड है, उसको ना स्टेप में ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करना पड़ता है। ये एक बार में ग्लाइड हो रहा था, मैंने इसको ना बाकी बचा हुआ एज अ काजल मैंने इसको अप्लाई किया एंड इसको पहले मैंने वो जो डार्क शेड लिया था आउटर और इनर कॉर्नर से उससे इसको ब्लेंड किया एंड उसके बाद में जो फर्स्ट टाइम ट्रांजिशन शेड लिया था ब्लू वाला, उसके साथ में इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड करा ताकि एक यू नो होलोग्राफी लुक आए एंड हाइलाइटर को इनर कॉर्नर पर मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर दिया। उसके बाद में मैंने मस्कारा यूज़ किया मास्क का एंड ये मेरा सेकेंड बॉटल है बाय द वे, फर्स्ट वाला थोड़ा सा सूख चुका था तो मैंने इसको मंगवा लिया एंड ये वन ऑफ माय फेवरेट है। अगर मेरी तरह आपकी गंजी लेसेस है ना और उसको अच्छे से वॉल्यूम देना है तो ये वाला आप ट्राई कर सकते हैं। इवन ये आईलाइनर अप्लाई करने के बाद में भी बहुत अच्छे से दिखता है कि आपने कोई भी मस्कारा अप्लाई कर रखा है। इसका वॉन्ड बहुत अच्छा है यार, इसको बस अप्लाई करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज बेस्ट है। उसके बाद में मैंने वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट, जो कि आप बोलोगे ये सारे फेवरेट है, बट यार एक बार यूज़ करके देखो, आपके सारे प्रोडक्ट ही फेवरेट जाएंगे। मैं लिपस्टिक की बात कर रही हूँ, बुलेट लिपस्टिक है, वेलवेटिश लिपस्टिक है, इन द शेड इज 21 डेजर्ट रोज एंड लुक द शेड, ये कितना प्यारा है यार। दिस लिपस्टिक इज सो क्रीमी एंड सो स्मूद, एक स्वाइप वाला इसमें पिगमेंट है एंड नो डाउट ये एक ट्रांसफर प्रूफ तो नहीं ही है, बट बहुत ही प्यारी है, बहुत क्रीमी है। ब्लूट लिपस्टिक मेरी करंट फेवरेट बन चुकी है एंड आई जस्ट लव दिस। एंड दूसरा मैं ये बोलूँगी कि इसको अगर ट्रांसफर प्रूफ बनाना है ना तो एक टिश्यू पेपर ले लो, उसके ऊपर ट्रांसलूसन पाउडर ऐसे डैप डैप करके लगाते रहो तो ट्रांसफर प्रूफ भी बन जाएगी, बट आई लव इट, इसका शेड बहुत अच्छा है यार। एंड ट्रेडिशनल लुक था तो बिंदी तो अप्लाई करना बनता ही है और बिंदी में मुझे ब्लैक बिंदी अच्छी लगती है छोटे वाली, और मैंने सिल्वर जेल इसके साथ
आपने वेयर की है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हो। एंड ट्रेडिशनल लुक था तो बहुत मज़ा आया इस लुक को क्रिएट करते हुए। एक ही ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं एंड सच में बहुत अफोर्डेबल प्राइस में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यार। राखी आ रही है, राखी भी इतना अच्छा सेल चल रहा है, और अपने भाई को बोल दो वो गिफ्ट कर देंगे आपको एज ए राखी गिफ्ट। एंड सच में अगर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तो ये वाले ब्रांड के प्रोडक्ट परचेज कर लो, बहुत अच्छे हैं, ऑल स्किन टाइप पे बहुत अच्छे से चले जाते हैं। या मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो ये लुक अच्छा लगे ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, मुझे भी एक राखी का गिफ्ट दे दो।